के साब स्थित विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एडमिट कार्ड न आने को लेकर जीटी रोड पर घंटों जाम रखा। जीटी रोड पर जाम छुड़ाने पहुंची बाराचट्टी थाना की पुलिस ने छात्र छात्राओं को समझा बुझा कर जाम खुलवाया, लेकिन इन बच्चों के भविष्य का क्या? 2018 से 2021 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड नहीं मिलने से वे नारूठ थे और मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि सरकार का शिक्षा विभाग उन लोगों का भविष्य बिगाड़ने में लगा हुआ है। गया जिले से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। समस्या ये है कि 2018 से एडमिशन कराया, 2021 भी हो चुका है, फिर भी एग्जाम नहीं होने होता, पर एग्जाम हो भी रहा तो एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है कॉलेज में। कौन सा कॉलेज में एडमिशन आपका है? विश्वनाथ सिंह यादव कॉलेज मायापुर। एग्जाम हो रहा है? हाँ, एग्जाम हो रहा है कि नहीं, हम एडमिट कार्ड के लिए आए हैं पर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है कि जब 2018 में फॉर्म भर रहे थे और रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो उस वक्त एक ही बार रजिस्ट्रेशन और फॉर्म दोनों हो गया था। एग्जाम आप लोग का कब से है? एग्जाम हम लोग का 12 तारीख से है, 12 जनवरी यानी कल से। कल से तो क्या प्रॉब्लम है आपका, नहीं मिला है एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड नहीं मिला है और प्रॉब्लम यह है कि कल से परीक्षा, हम लोग एडमिट कार्ड आज तक नहीं मिला। तो आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिला तो एग्जाम कैसे दे पाएंगे? वही सोच के हम लोग को बहुत टेंशन हो रहा है। इसके लिए आप लोग क्या विचार किए हैं? इसके लिए हम लोग विचार किए हैं कि चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हम लोग एडमिट कार्ड दिलावे, या ना तो फिर हम लोग रोड जाम करेंगे या फिर यूनिवर्सिटी तक भी जा सकते हैं। तो रोड जाम करना ही समस्या का समाधान नहीं है? यूनिवर्सिटी जाएंगे। कब जाइएगा आप? कल से एग्जाम है तो यूनिवर्सिटी कब जाइएगा? वही तो टाइम नहीं, एग्जाम होने नहीं देंगे, यही तो टाइम नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज दिन, आज रात का ही टाइम है और सुबह से तो कल एग्जाम है। कितने छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड नहीं आया? कम से कम 100 को छात्र छात्राओं का हम तो जान रहे हैं, पर और कितना है वो हमको पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममिता कुमारी हुआ। एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है 18 सेशन का और बाकी कॉलेज में आ गया है, पार्ट वन का, बीए पार्ट वन। क्या नाम है? रंजय कुमार। कब एग्जाम? कब एग्जाम? कल 12 तारीख को है। एडमिट कार्ड आज तक नहीं, नहीं पहुंची है। कॉलेज में नहीं पहुंची है? कॉलेज में नहीं पहुंची है, यानी कॉलेज का टीचर दे रहा हम लोग का। यहाँ का प्रिंसिपल महोदय का क्या कहना है? यहाँ के प्रिंसिपल महोदय का कहना है कि यहाँ का कॉलेज रद्द किया गया था तो उसी समय से ये अति हो रहा, सेशन में गड़बड़ी हुआ। क्या इसका सुधार कैसे होगा? इसका सुधार बोल रहे हैं कि कल बातचीत होगा और कल एग्जाम है। कल ही एग्जाम है? कल प्रैक्टिकल क्या है? नहीं सर, कल एग्जाम है। कौन सा कॉलेज में एग्जाम है? कॉलेज तो अभी हम लोग का पता नहीं चला, एडमिट कार्ड मिला ही नहीं। और लोगों को जो मिला होगा उसको क्या? आर के वाई नहीं नहीं सर, घाटी दिया आर के वाई सर, घाटी में दिया। और सभी कॉलेज का एडमिट कार्ड आ गया है क्या? जी सर। सर हम लोग 2018 में हम लोग पार्ट वन में एक डिवीज़न कराए थे, जबकि सेक्शन हम लोग के 18/21 था और अभी तक हम लोग का पार्ट वन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और डेट निकला था बिहार सरकार द्वारा कि 12 जनवरी से एग्ज़ाम है पार्ट वन का, लेकिन हम लोग कॉलेज आते आ रहे हैं, फिर पूछते हैं तो बोल रहे हैं कि अभी एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। एडमिट कार्ड फिर हम लोग आज मतलब सर से बातचीत किए तो सर बोल रहे थे कि मगध यूनिवर्सिटी जान के घेरो, ओकर बाद कुछ अथी होगा। तो हम लोग का कहना था कि हम लोग एडमिशन यहाँ करवाएं तो हम लोग मगध यूनिवर्सिटी क्यों जाएंगे? उसके बाद हम लोग रोड जाम किए, उसको चलते प्रशासन भी आए, यहाँ के मुखिया जी आए और सब ने हम लोग के अथी बताए हैं कि मतलब रजिस्ट्रेशन पुनः होगा और 3 महीना के बाद एग्ज़ाम फिर से होगा। जो समस्या सामने खड़ा हो गया है, इस समस्या से आप लोग कैसे लड़ पाइएगा जो कल एग्जाम है, आज एडमिट कार्ड नहीं मिला? तो वही तो हम लोग पूछे तो बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग सेक्शन पूछे कि अगर सेक्शन प्रिंसिपल आपका इस कॉलेज का कौन है? प्रिंसिपल राकेश। राकेश सर? हाँ जी, राकेश सर है। परिचय बता दीजिए। अनुज यादव, अनुज कुमार सर। कितने स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं मिला है यहाँ का? किसी का नहीं मिला जिसका 18 में एडमिशन हुआ। तकरीबन कितने स्टूडेंट? करीबन 600-700। कहाँ 700 है? कितना है सर बता रहे थे अभी? तो 600 टोटल। थोड़ा देरी पहले हम सर से पूछे तो बोले।